हमारे तीनों दलों के कार्यकर्ता पहले से ही पूछ चुके हैं। यहाँ हम लोग का जो ये मुझे बैठक है, इसमें तीनों दलों के जो हमारे बिल्कुल बूथ स्तर से लेके हमारे जिले स्तर के जितने कार्यकर्ता नेता सब उपस्थित हैं, और ये विचार हो रहा है कि कैसे हम नालंदा सीट को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीतें। और इसका हमारा सबका मूल मंत्र है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो, उसी पर विचार चल रहा है। और हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है, सब जगह समन्वय स्थापित हो रहा है, और हम सब लोग आशान्वित हैं कि जो 19 मई को चुनाव होगा उसमें हमारे तीनों दलों के सभी कार्यकर्ता बहुत मजबूती के साथ बूथ पर काम कर करके हमारे उम्मीदवार आदरणीय कौशलेंद्र जी को विजय बनाए। कुछ कुछ नाराजगी भी कार्यकर्ताओं में, उसको दूर कैसे किया जा रहा है? देखिए, घर परिवार में नाराजगी रहती है, लेकिन नाराजगी रहती तो हम लोग कहे गार्जियन, किसी की कोई नाराजगी होगी हम लोग सब दूर कर देंगे। कितना उम्मीद है नालंदा में, कितने मतों से आप यहाँ? देखिए, हम लोग इसके बारे में कुछ कहेंगे नहीं, ये तो 23 मई को पता चलेगा। लेकिन निश्चित रूप से जितने 2200 से ज़्यादा बूथ हमारे नालंदा लोकसभा में, वो सब पर जो है NDA का प्रयास होगा कि हम अपना विजय हासिल करें। आज भी बिहार में कई जगहों पर चुनाव हो रहा है, कई जगहों पर आरोप लगाया जा रहा है कि बूथ कैसे नहीं। अरे देखिए, समस्या क्या, जरा जान लीजिए, ये चौथे चरण का चुनाव हो रहा है। 3 चरणों में 14 सीटों पर हो चुका था, सब पर NDA जीत चुकी है। और आज भी मैं 11:30 बजे तक पांचों हमारे लोकसभा क्षेत्रों का मैं मॉनिटरिंग कर रहा था, एक तरफा वोट पड़ रहा है। आप शाम में 6 बजे पता चल जाएगा आपको कि इस चरण में भी पांचों सीट NDA जीतने जा रही है। बड़े भाई प्रजापति के जिला अध्यक्ष राजू पासवान जी, राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव, राज्यसभा सांसद, हम सबों के गार्जियन आशीष सिंह सर, बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य, नालंदा विधानसभा के विधायक हमारे गार्जियन माननीय सरवन कुमार जी, गार्जियन समाज हरिनारायण प्रसाद जी,